बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब की रेसिपी दूंगी। आप इन कबाबों को बीफ के साथ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। देखिए, चिकन का कीमा मैंने लिया है 300 ग्राम। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे प्याज। ये मैंने ली है एक मीडियम प्याज, जिसे मैंने कद्दूकश करके उसका पानी तमाम निकाल दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपके कबाब बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, जिन्हें हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। प्याज का पानी हटाना बहुत ज़रूरी है। तीन हरी मिर्च ली और उन्हें मैंने चॉप कर लिया है, छोटा छोटा चॉप करना होगा, वो भी हम डाल देंगे। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम लीजिएगा। इसके साथ ही हम लेंगे आधा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा खाने का चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा, एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। चिकन का जो टेस्ट होता है थोड़ा फीका होता है, थोड़े से मसाले ज़रा इसमें अच्छे डाले जाएं तो थोड़ा चटपटे अच्छा कबाब बनते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से इसमें स्पाइसेस बढ़ाकर ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक खाने का चम्मच कुटा हुआ साबित धनिया, एक खाने का चम्मच दही। दही में पानी नहीं होना चाहिए, दही डालने से क्या होता है आपके कबाब जूसी बनते हैं, नरम बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। अगर दही डालना ना चाहें तो इसकी जगह पर आप एक नींबू का जूस भी ले सकते हैं। साथ ही हम लेंगे भुने हुए चने का पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप बेसन ले सकते हैं और बेसन को थोड़ा रोस्ट कर लें और वो डाल दें। ये मैंने लिया है एक खाने का चम्मच। एक टीस्पून लेंगे हम घी, चाहे तो आप बटर भी ले सकते हैं। तीन खाने के चम्मच हरा धनिया, उससे भी कम हम लेंगे पुदीना। पुदीना कम लेना होगा, हरा धनिया आप ज़्यादा भी ले लें, इससे फ्लेवर अच्छा ही आता है। अब तमाम मसालों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है कीमे को और मसालों को। अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं रखना होगा, अब इनके हम फ़ौरन से कबाब बनाना शुरू करेंगे। देखिए, जितने छोटे जितने बड़े आपने बनाने हैं उतना बड़ा आप पोर्शन ले लें, और अच्छे से इन्हें आपने, क्योंकि इनको थोड़ा सा आपने बड़ा ही बनाना होगा, क्योंकि ये फिर श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह से हमें बना बना के रखते जाना होगा। अगर ये हाथों पर चिपके तो आप पानी लगा लें हाथों के ऊपर, या फिर ऑयल लगा लें। कबाब हमने बना के रख लिए हैं और इससे पहले ही हम चटनी पीस लेंगे। कबाबों के साथ खाई जाने वाली चटनी भी हम तैयार कर लेंगे अभी ही। थोड़ा सा पुदीना लेंगे, दो जवे हम लहसुन के लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, एक चम्मच भर के हम लेंगे दही, एक हरी मिर्च लेके इसे हम काट के डाल देंगे और ये चटनी हम पीस लेंगे। ये चटनी हमारे कबाबों की है। नमक हम बाद में शामिल करेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और हमने मीडियम गरम किया है ऑयल को। इस तरह से एक एक करके हम डालते जाएंगे और कबाबों को हम शेलो फ्राई करेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शुरू में गैस को हम मीडियम रखेंगे और कबाब डालने के बाद हम गैस को फ़ौरन से मीडियम स्लो कर देंगे, क्योंकि ये कच्चे हैं और ये हमने कीमा कच्चा लिया है तो इनका पकना भी ज़रूरी है। फ़ौरन से इन्हें हिलाना या पलटना नहीं होगा, अभी इसे कम से कम दो मिनट पकने दें। इस तरीके से दो मिनट हो गए, अब इन्हें हम पलट देंगे। गैस को हमें मीडियम स्लो रखना होगा ताकि ये अच्छे से पक जाएं, अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। दूसरी तरफ से भी हम दो से तीन मिनट इसी तरह से अभी पकने देंगे। देखिए, तीन मिनट करीब पकते हो गए, अब इन्हें हम फिर से पलट देंगे और कवर करके हम पाँच मिनट इसी तरह से पकाएंगे, ताकि अंदर से कबाब हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएं और कच्चे बिल्कुल भी ना रहें। और गैस को हमने मीडियम स्लो ही रखा है। पाँच मिनट हमने कवर करके पका लिया है। अब थोड़ा सा गैस को हम मीडियम करेंगे, कबाबों को अच्छा सा कलर आ जाए। देखें, अच्छा सा कलर आ गया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम तमाम कबाबों को फ्राई कर लेंगे।
कबाब हमारे तैयार हो गए। आप इन्हें प्याज और हरी चटनी जो अभी मैंने आपको बताई है इसके साथ सर्व करें, बहुत ही खाने में मज़ेदार लगते हैं। आप इन कबाबों को बीफ के साथ और मटन के साथ भी बना सकते हैं। तमाम प्रोसेस यही होगा, बस ये है कि आप उसमें कच्चा पपीता या कचरी पाउडर लगाकर एक घंटे के लिए रख दें, फिर आप इनके कबाब बनाना शुरू करें और बिल्कुल इसी तरीके से ये फ्राई होंगे। आप इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं और आप इन्हें चाहें तो चावलों के साथ भी खा सकते हैं, मगर पराठों के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप चाहें तो चपाती या रोटी के साथ भी खा सकते हैं।